Hi, welcome to RK Photo Magic Trix. So, आज Mr. RK हैं हमारे साथ. So, RK, Arkshya ने मुझे बताया था कुछ transparent tool के बारे में. तो मैं उसके बारे में और जानना चाहूँगी कि वो क्या है. Transparent tool, as the name suggests, वो क्या करता है? जैसे आपकी lipstick लाल है, मैंने वो transparent tool वहाँ लगा दिया तो lipstick गायब हो जाएगी. लाल कलर गायब हो जाएगा. That something like that. But what we are going to do is we are going to use a very interesting trick. जो कॉर्पोरेट्स को भी पसंद आई, कितने लोगों को अपना नेम प्लेट बड़ा अच्छा लगता है. बिल्कुल ठीक है ना. जैसे नेम प्लेट भी बनाना सिखा देता हूँ. अच्छा, नेम प्लेट के अंदर अगर कुछ एनिमेशन हो जाए तो उनको तो और भी अच्छा लगता है. जैसे नेम प्लेट के पीछे पानी चल रहा हो या दैट मींस मूविंग नेम प्लेट. अब आप बोलोगे पावर पॉइंट में कैसे हो सकता है. जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. ट्रांसपेरेंट टूल यूज करके करते हैं. पूजा, ये नेम प्लेट कौन सी शेप में होती है? रेक्टेंगल शेप में होती है और मोस्टली तो वुडन. और आजकल तो खैर मार्बल, ब्रास और बहुत सारे फॉर्म्स में आने लगी है. तो जैसे पूजा ने कहा कि रेक्टेंगल होती है, शेप्स में गए, रेक्टेंगल लिया. रेक्टेंगल लेने के बाद आपने क्या कहा था, कौन से उसमें होती है? वुड में होती है. हाँ, वुडन. आई लाइक वुडन वन. अच्छा, वुड इज व्हाट वुड इज. चलो वुड में ऐसा करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट शेप पे जाते हैं. फॉर्मेट शेप पे आप ग्रेडियंट में जाइए. टेक्सचर में भी जा सकते हैं, ग्रेडियंट में भी जा सकते हैं. नाउ आफ्टर वी गो टू द टेक्सचर, टेक्सचर में देखिए वुड बना हुआ है पहले से ही, तो हमने ये वुड ले लिया. आपका आपकी बात रख लेते हैं, वुड रख लेते हैं. अब वुड कलर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर नाम लिखता हूँ. लेट मी डू माई ब्रांडिंग ओनली. आर के फोटो मैजिक ट्रिक्स लिख देता हूँ. ठीक है, ये मैंने लिख दिया पूरे इस पे. नाउ ये लिख तो दिया, अब आप कह रहे हैं कि आ गया, सब कुछ हो गया इसके ऊपर. इसको जरा मैं ना ये पीछे जो नेम प्लेट है उसको जरा 3D वो भी देता हूँ. फॉर गिविंग इट द 3D टच, यू सी माय प्रीवियस ट्यूटोरियल्स वेयर आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड हाउ टू यूज द पर्सपेक्टिव ऑफ द शैडोज और एवरीथिंग. नाउ वी हैव ऑलरेडी गिवन इट द 3D टच एंड 3D टच के ऊपर मेरा नाम लिख दिया है हमारी कंपनी का. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब बड़े ध्यान से सुनना. ये नाम लिखा हुआ है, ये नाम लिखा है मैंने जानबूझ के येलो कलर में, और वुड का कलर है ब्राउन. ब्राउन और येलो दोनों अलग कलर होते हैं. मैं येलो में भी लिख सकता हूँ, मैं ब्लू में भी लिख सकता हूँ, जो बिल्कुल कंट्रास्टिंग कलर हो. आपको याद है बचपन में हम लोग कोई नाम लिखते थे और फिर उसको ब्लेड से काटते थे पेपर के ऊपर. तो जब ब्लेड से काटते थे तो जब आप पेपर सामने रखते थे क्या होता था, आप उसमें से दिखते थे. क्यों? क्योंकि आपने वो नाम काट लिया. तो हम अब ये करने वाले हैं बाय यूजिंग ट्रांसपेरेंट टूल. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट वो यूज करने के लिए, अभी ये दोनों अलग है, हमें क्या करना चाहिए इसको, है ना. मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ जो बड़े ध्यान से सुनना. इसको मैं जेपेग करके सेव करूंगा, जेपेग या पीएनजी करके मैं डेस्कटॉप पे सेव करूंगा. तो वो पिक्चर जब सेव होगी तो उसमें क्या होगा, नेम प्लेट होगी और जो ब्लू या येलो कलर में नाम लिखा होगा वो एक पिक्चर बन जाएगी. मतलब वो बिल्कुल दो चीजों को हमने एक बना दिया. अब वो एक क्यों बना हुआ आपको बाद में समझाता हूँ. नाउ वी हैव सेव दिस पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ओपन अ न्यू स्लाइड एंड सेम पिक्चर हम इंसर्ट करते हैं अंदर. तो जब वो पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें नेम प्लेट भी होगी और उसमें लिखा हुआ नाम भी होगा जो कंट्रास्टिंग कलर्स में है. बिल्कुल. अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस से जाऊंगा, कलर लिया, सेट ट्रांसपेरेंट कलर लिया, ये ट्रांसपेरेंट टूल जो होता है, और मैं उसको प्यार से जाके है ना उस पर टच करता हूँ जो हमने नाम लिखा हुआ है. जैसे ही मैंने टच किया तो क्या होगा मालूम है, जो नाम आपने लिखा था जो कलर में वो गायब हो जाएगा, जैसे हमने ब्लेड से उसको उखाड़ लिया. अब क्या होगा, हम पीछे कोई भी चीज डालेंगे वो क्या करेगी, वो दिखेगी उस नाम के अंदर से. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आइदर वी कैन इंसर्ट अ जिफ. जिफ वो होती है जो मूविंग पिक्चर्स होती है, जैसे मूविंग में आग डाल दूं या मूविंग वाटर डाल दूं और जो भी डालूं, और जैसे उसको प्ले करते हैं ऑटोमेटिकली प्ले करते हैं, तो या तो वो डाल सकता हूँ या मैं कुछ भी ग्रेडियंट डाल के उसको राइट और लेफ्ट मूव करा सकता हूँ, तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो अंदर से हिल रहा है बिल्कुल. क्यों ना हम उसमें पानी डाल दे तो वो फ्लोट करेगा पीछे से और पानी दिखेगा पीछे से. भैया जैसे आप बोलो वैसे करना ही पड़ेगा. आप क्या करें, हम ऐसा करते हैं कोई वीडियो ढूंढ लेते हैं यूट्यूब से, वीडियो ढूंढ के पीछे पानी डालते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, द वीडियो का साइज शुड बी स्मॉलर देन द नेम प्लेट एंड इट शुड प्ले ऑटोमेटिकली. और वो जैसे जैसे चल रहा है, आप पीछे देख रहे हैं जैसे 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 चल रहा है वो एक इफेक्ट दे रहा है कि नेम प्लेट के अंदर पानी मूव कर रहा है. सो मेकिंग अ नेम प्लेट वॉज सो ईजी, आई कुड हैव स्टॉप्ड देयर. लेकिन जो चीज इजी है उसमें क्या मजा है. एंड इफ इट वॉज योर कंपनीज नेम एंड इफ यू वर मेकिंग अ कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन फॉर योर बॉसेस, उनको कितना अच्छा लगता है कि ये देखो क्या क्रिएटिविटी है कि नेम प्लेट के अंदर भी, कंपनी के नेम के अंदर भी
या तो आग लगा दी या पानी डाल दिया या जो भी कर दिया, पर जो भी किया बहुत बढ़िया किया. तो यू कैन डू एनीथिंग विद ऑल दिस थिंग्स. यू कैन इवन मेक द क्लाउड्स मूव और व्हाटएवर. तो दिस इज द वे एनीबडी कैन यूज दिस ट्रिक्स टू मेक देयर प्रेजेंटेशंस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. So viewers, if you want to make your presentation more interesting and more creative, so visit our website rkphotomagictricks.com and you can also share and like our Facebook page. So where can you find the preview video and other information about RK and Arkshya? Just Google RK Photo Magic Trix with an X and you will see everything. And for all inquiries and help regarding PowerPoint presentations, please contact Arkshya via arkshya@gmail.com. That's arkshya@gmail.com. And RK via RK Photo Magic Trix @gmail.com. Hey!